हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग होम सिकनेस का पार्ट टू देखेंगे। इससे पहले मैंने होम सिकनेस का पार्ट वन अपलोड कर दिया है। होम सिकनेस गुलमोहर क्लास 7 का यूनिट नंबर 3 है। तो अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट वन के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर गुलमोहर क्लास 7 का एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे आप वीडियो को देख लीजिए पार्ट वन को, और फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज़ आपको ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो जहाँ से हमने पार्ट वन में छोड़ा था वहीं से हम पार्ट टू में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था पैराग्राफ नंबर 21 तक पार्ट वन में। इट हर्ट्स मैटरन, आई मोंड, ओह इट हर्ट सो मच जस्ट हियर। वो जो लड़का था जो कि होम सिकनेस का शिकार था, जिसको घर की काफ़ी याद आ रही थी और वो बीमार होने का नाटक कर रहा था, वो मैट्रन से, हॉस्टल के मैट्रन से जाकर कहता है कि मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, यहाँ पे मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो यू हैव बीन ओवर ईटिंग, सी स्नैप्ड। अब यहाँ पे स्नैप्ड कहने का मतलब होता है गुस्से में कोई चीज़ कहना, है ना। तो वो गुस्से में कहती है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खा रहे हो, है ना, तुम काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा खाते आ रहे हो, इसीलिए तुम्हें, तुम्हारा पेट जो है वो दर्द कर रहा है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इफ़ यू गॉबल केक ऑल डे लॉन्ग। अगर तुम सारा दिन केक खाते रहोगे तो और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, है ना, सारा दिन अगर तुम खाते ही रहोगे तो तुम्हारा पेट दर्द करेगा। पैराग्राफ नंबर 23, आई हैवन्ट ईटन अ थिंग फॉर डेज, आई लाइड। अब यहाँ पे ये लड़का क्या कह रहा है, झूठ बोल रहा है, और कह रहा है कि मैंने कई दिनों से तो कुछ भी नहीं खाया है, आई कुडंट ईट मैटरन, आई सिंपली कुडंट, मैं बिल्कुल खा नहीं सकता मैटरन, मैं ऐसा नहीं कर सकता, है ना, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। गेट ऑन द बेड, शी ऑर्डर्ड। अब वो जो मैटरन थी वो ऑर्डर करती है कि अब एक काम करो, तुम इस बेड पर आ जाओ, इस बेड पर चढ़ जाओ। पैराग्राफ नंबर 25, आई ले ऑन द बेड एंड सी बिगिन prodding my tummy with her fingers. Prodding कहने का मतलब, जब भी आपको पेट में कोई शिकायत होता है या पेट में दर्द होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर किसी नुकीले चीज़ से या अपने उंगली से आपके पेट को सहलाता है और चारों तरफ हिट करके देखता है, और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होता है या आपको सीवियर पेन होता है तो आप चिल्लाते हो, जिससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ बॉडी के या स्टोमक के इस पार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। राइट, तो यहाँ पे वही जो मैटरन रहती है वो क्या करती है, उसके टमी को अपने फिंगर से सहलाती है और चेक करती है किसे क्या प्रॉब्लम है। आई वॉज वॉचिंग हर केयरफुली। अब यहाँ पे लड़का कहता है कि मैं उसको काफ़ी ध्यान से देख रहा था, है ना, वो जो कर रही थी। एंड व्हेन सी हिट व्हाट आई गेस्ड वाज अपेंडिक्स प्लेस, और जब उसने, है ना, मेरे हिसाब से जो अपेंडिक्स का जगह था वहाँ पे जब उसने अपनी उंगली को रखा, है ना, अपनी उंगली को हिट किया, आई लेट आउट अ क्राई दैट रैटल्ड द विंडो पैंस, है ना, तो मैंने इतने ज़ोर से चिल्लाया आउ 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 करके, जो कि विंडो के जो पैंस लगे हुए थे वो थरथराने लगे थे, वो हिलने लगे थे। आई क्राइड आउट डोंट मैटरन डोंट, है ना, मैं चिल्ला रहा था कि मैटरन नहीं नहीं, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। राइट, देन आई स्लिप्ड इन द क्लिंचर। अब देखो ये क्लिंचर क्या होता है, क्लिंचर एक तरह का सेंटेंस होता है, यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एक तरह का सेंटेंस होता है, और वो सेंटेंस ऐसा होता है जो कि आप कभी भी बोलते हो तो जो ऑडियंस होता है वो एक तरह से आपकी बातों को अच्छे से समझ जाता है और वो फिर से आपसे वो फालतू सवाल नहीं पूछता। अब ये क्या कहता है, आई हैव बिन सिक ऑल मॉर्निंग, मतलब पूरे सुबह से मैं बीमार हूँ, है ना, आई मोंड, ये कराहते हुए रोते हुए कहता है, एंड नाउ देर इज़ नथिंग लेफ्ट टू बी सिक, और मेरे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिससे मैं बीमार हूँ, मतलब मैं काफ़ी चीज़ों से बीमार हो चुका हूँ, अब दूसरा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आके मुझे बीमार करे, बट आई स्टिल फील सिक, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है या मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। तो क्लिंचर एक तरह का घुमाने वाला, काफ़ी ट्विस्टिंग सा सेंटेंस होता है, जैसे कि ये वाला सेंटेंस आप पढ़ोगे तो एक बार कहता है कि मैं सुबह से बीमार हूँ, फिर कहता है कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि जिससे मैं अब बीमार हो जाऊँ, फिर अब कहता है कि मुझे थोड़ा सा अभी भी अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं सिक फील कर रहा हूँ। इसी तरह के सेंटेंसेस को हम लोग क्लिंचर कहते हैं। पैराग्राफ नंबर 26, दिस वॉज द राइट मूव, आई सॉ हर हेजिटेट। अब ये लड़का कहता है कि ये बिल्कुल सही चाल था, मैंने देखा कि वो जो मैटरन थी वो हिचकिचा रही थी। स्टे वेयर यू आर, सी सेड एंड वॉक्ड क्विकली फ्रॉम द रूम। उस मैटरन ने कहा कि जहाँ पे तुम हो वहीं पे रहो, यहाँ से हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं, और इतना बोल करके वह रूम से बाहर चली गई।
She had had a nurse's training and she did not want a ruptured appendix on her hands. Ruptured कहने का मतलब क्या होता है? Broken है ना, और burst फटा हुआ या टूटा हुआ, क्योंकि उस matron ने nurses की training ले रखी थी और वो नहीं चाहते थे कि उसके हाथ में एक ruptured, एक टूटा हुआ या एक burst appendix मिले, है ना, तो वो थोड़ी सी डर गई थी. पैराग्राफ नंबर 27. विदिन एन आवर, एक घंटे के अंदर, द डॉक्टर अराइव्ड एंड ही वेंट थ्रू द सेम प्रॉडिंग एंड पोकिंग एंड आई डिड माई येल्पिंग एट वॉट आई थॉट वेयर द प्रॉपर टाइम्स. जब एक घंटे के बाद डॉक्टर आया तो उसने भी वैसे ही किया जैसे कि मैट्रो ने मेरे पेट को अपने फिंगर से प्रॉड किया था, वो भी प्रॉड करते रहा और जब भी मुझे लगा कि चिल्लाने का सही समय है तो मैंने चिल्लाया भी. देन ही पुट अ थर्मोमीटर इन माई माउथ, फिर उसके बाद उसने एक मेरे मुँह में एक थर्मोमीटर लगा दिया, है ना, जस्ट टू चेक माई टेम्परेचर. पैराग्राफ नंबर 28. हम ही सैड इट्स इट रीड्स नॉर्मल, लेट मी फील योर स्टमक वंस मोर. अब जब वो थर्मोमीटर देखते हैं वो कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है, तुम्हारा टेम्परेचर हाई नहीं है, मतलब तुम्हें बुखार नहीं है, है ना, एक बार फिर से मैं तुम्हारा पेट जो है, स्टमक जो है, वो फिर से फील करूँगा, है ना, तो एक बार फिर से अपने स्टमक के मुझे फील करने दो. पैराग्राफ नंबर 29. आउच, आई स्क्रीम्ड व्हेन ही टच द वाइटल स्पॉट. वाइटल स्पॉट कहने का मतलब वो प्लेस जहाँ पे लगा उसको कि ये अपेंडिक्स है, जब भी उस डॉक्टर ने वहाँ पे टच किया या जब जब भी वो टच करता था तो ये चिल्लाता था आउच करके. पैराग्राफ नंबर 30. द डॉक्टर वेंट अवे विद द मैट्रन. इतना होने के बाद मैट्रन के साथ डॉक्टर रूम से बाहर चला गया. Like the matron, he must have felt it safer to send me home rather than risk an appendicitis operation in the school, है ना, और मैं सोच रहा था कि matron की तरह ही उसे भी, है ना, मुझे स्कूल से घर भेज देना, है ना, मुझे घर भेज देना ज़्यादा बेहतर होगा इसके बजाय कि वो स्कूल में appendicitis का ऑपरेशन करने का रिस्क ले, है ना, तो मुझे लगा कि ये लोग देखेंगे कि ये काफ़ी बीमार है तो मुझे स्कूल से घर भेज देंगे. The matron returned half an hour later and said, matron आधे घंटे के बाद लौटती है, वो कहती है, the headmaster had telephoned your mom and she is coming to fetch you this afternoon. Headmaster ने तुम्हारी mom को फ़ोन कर दिया है और तुम्हारी mom जो है इसी afternoon, आज ही afternoon में तुम्हें यहाँ से घर ले जाने के लिए आ रही हैं. अब देखो यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 31 का क्या मतलब हुआ. आई डिडिंट आंसर हर, जब वो मैट्रन आकर मुझे ये बात बताती है तो मैं उसकी बातों को आंसर नहीं किया, मैंने उसे जवाब नहीं दिया. आई जस्ट ले देयर ट्राइंग टू लुक वेरी इल, मैं बिल्कुल वहाँ पे पड़ा हुआ था और बीमार लगने की कोशिश कर रहा था. बट माई हर्ट वॉज सिंगिंग आउट विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ वंडरफुल सॉन्ग्स एंड प्रेज एंड जॉयज, लेकिन मेरा जो दिल था, मेरा जो हर्ट था, वो इतना खुश था, इतना जॉली था, इतना हैप्पी था कि हर एक तरह के, है ना, वंडरफुल सॉन्ग्स और जो खुशी में जो गीत गाए जाते हैं, मेरा दिल वो गीत गा रहा था, सभी तरह के वंडरफुल सॉन्ग्स मेरा दिल गा रहा था. पैराग्राफ नंबर 32. आई वॉज टेकन होम अक्रॉस द ब्रिस्टल चैनल, मुझे ब्रिस्टल चैनल के उस पार घर ले जाया गया. एंड आई फेल्ट सो वंडरफुल एट बीइंग अवे फ्रॉम द स्कूल दैट आई वेरी नियरली फॉरगॉट आई वॉज मीन टू बी इल. अब जब मैं स्कूल से दूर था, है ना जब मैं स्कूल से दूर था तो मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि मैं इस बात को लगभग भूल सा गया था कि मुझे बीमार भी होना है, मतलब मुझे बीमार दिखना है ताकि लोगों को लगे कि मैं ड्रामा नहीं कर रहा था, मैं नाटक नहीं कर रहा था. दैट आफ्टरनून आई हैड सेशन विद डॉक्टर डनबर इन कार्डिफ. उसी दिन आफ्टरनून में डॉक्टर कार्डिफ के साथ मेरा एक सेशन था, कार्डिफ में डॉक्टर डनबर के साथ मेरा एक सेशन था. एंड आई ट्राइड द सेम ट्रिक्स ऑल ओवर अगेन. और जब डॉक्टर डनबर ने मेरा चेकअप किया तो मैंने फिर वही सारे हथकंडे, वही सारे ट्रिक्स आजमाए. बट डॉक्टर डनबर वॉज फार वाइजर एंड मोर स्किलफुल दैन आइदर द मैट्रन और द स्कूल डॉक्टर. लेकिन जो डॉक्टर डनबर थे वो स्कूल के मैट्रन से या स्कूल के डॉक्टर से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान और अपने काम में ज़्यादा माहिर थे, ज़्यादा स्किलफुल थे, है ना. उन्हें ये बात पता चल गई कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं ड्रामा कर रहा हूँ. पैराग्राफ नंबर 33. आफ्टर ही हैड प्रोडेड माई स्टोमक एंड आई हैड डन माई येल्पिंग रूटीन,
है ना। यल्पिंग रूटीन कहने का मतलब चिल्लाने का जो एक्सरसाइज था, चिल्लाने का जो अभ्यास था, कि जब उन लोग उन्होंने मेरे पेट को सहला लिया था, मेरे पेट को टटोल लिया था, अच्छे से प्रॉड कर लिया था, और मैंने जगह जगह पे जहाँ भी मुझे लगा कि हाँ चिल्लाना चाहिए मैंने चिल्ला भी लिया था। ही सेड टू मी, उन्होंने कहा, नाउ यू कैन गेट ड्रेस्ड अगेन एंड सिट योर सेल्फ ऑन दैट चेयर, अब तुम फिर से अपना कपड़ा पहन सकते हो और उस कुर्सी पे बैठ जाओ। पैराग्राफ नंबर 34, ही हिमसेल्फ सैट डाउन बिहाइंड हिज डेस्क एंड फिक्स्ड मी विद अ पेनिट्रेटिंग बट नॉट अनकाइंडली आई, यू आर फेकिंग aren't you, he said। अब वो क्या करते हैं, मुझे कुर्सी पे बैठने को बोलते हैं और अपने डेस्क के पीछे जाकर बैठ जाते हैं और मुझे घूर कर देखने लगते हैं, बट नॉट अनकाइंडली आई, लेकिन वो इतने भी रूड नहीं होते हैं मेरे साथ, और कहते हैं कि तुम ड्रामा कर रहे हो, तुम नाटक कर रहे हो, है ना, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कोई भी अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम नहीं है, है ना। पैराग्राफ नंबर 35, हाउ डू यू नो आई ब्लर्टेड आउट, ब्लर्टेड आउट कहने का मतलब अचानक से मेरे मुंह से चीख निकल गया कि आप कैसे जानते हैं कि मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं ड्रामा कर रहा हूँ। पैराग्राफ नंबर 36, बिकॉज यूर स्टमक इज सॉफ्ट एंड परफेक्टली नॉर्मल, ही आंसर्ड। फिर डॉक्टर डनवर ने आंसर किया, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक मैंने चेक किया तुम्हारा जो स्टमक है, तुम्हारा जो पेट है वो बिल्कुल सॉफ्ट है और बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल है, है ना। बट इफ़ यू हैड एन इन्फ्लेमेशन, कि अगर तुम्हारे पेट में कहीं पे भी सूजन होता डाउन देयर, वहाँ पे जहाँ पे हाथ रखने से तुम चिल्ला रहे हो, द स्टोमक वुड हैव बिन हार्ड एंड रिजिड, तो स्टोमक तुम्हारा क्या हो जाता, हार्ड हो जाता, रिजिड हो जाता, काफ़ी कठोर हो जाता। इट्स क्वाइट ईजी टू टेल, और ये बतलाना कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नाटक कर रहे हो, ये काफ़ी आसान है। पैराग्राफ नंबर 37, आई केप्ट साइलेंट, इस बात को सुनकर मैं बिल्कुल चुप रहा। आई एक्सपेक्ट यू आर होम सिक, ही सेड। डॉक्टर डनवर क्या कहते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम होम सिक हो, तुम्हें घर की याद आ रही थी इसीलिए तुम ये सारा ड्रामा कर रहे हो। आई नॉडेड मिजरेबली, अब यहाँ पे ये रॉल्डल और ये जो छोटा सा लड़का है वो कहता है कि हाँ मैंने उनकी बातों को मानते हुए अपने सिर को हिलाया, न चाहते हुए भी मैंने अपने सिर को हिलाया। पैराग्राफ नंबर 40, एवरीवन इज एट फर्स्ट, ही सेड, मतलब डॉक्टर डनवर कहते हैं कि हर एक इंसान जब अपने घर को छोड़कर कहीं जाता है या किसी बोर्डिंग स्कूल में जाता है तो वो होम सिक होता है। यू हैव टू स्टिक इट आउट, अब देखो स्टिक इट आउट कहने का क्या मतलब हुआ, फेस एन अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज एंड पेशेंस, किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन को, किसी भी असामान्य परिस्थिति को हिम्मत, साहस और धैर्य के साथ हमें क्या करना चाहिए, है ना, फेस करना चाहिए। यही बात डॉक्टर डनवर कहते हैं कि तुम्हें इस परिस्थितियों का सामना करना चाहिए धैर्य के साथ और साहस के साथ। एंड डोंट ब्लेम योर मदर फॉर सेंडिंग यू अवे टू बोर्डिंग स्कूल, और तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेजने के लिए अपनी मॉम को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम उन्हें ब्लेम मत करो। सी इंसिस्टेड यू वेयर टू यंग टू गो, हालांकि उन्होंने बताया था कि तुम स्कूल जाने के लिए, बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए क्या हो, काफ़ी छोटे हो, काफ़ी बच्चे हो, बट इट वॉज आई हु परसुएडेड हर, है ना, लेकिन वो मैं था जिसने उन्हें मनाया कि तुम्हें स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए, बोर्डिंग स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए। इट वॉज़ द राइट थिंग टू डू, क्योंकि यही करना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ऐसा ही करना बिल्कुल ठीक था। लाइफ इज़ टफ, डॉक्टर डनवर कहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी टफ है, एंड द सूनर यू लर्न हाउ टू कोप विद इट द बेटर फॉर यू, और जितना जल्दी तुम इस टफ़ लाइफ से, मतलब ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ आती है इससे डील करना, इससे संभलना सीख जाओगे, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो जितना जल्दी ज़िंदगी की कठिनाइयों से उबरना सीख जाओ तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। पैराग्राफ नंबर 41, व्हाट विल यू टेल द स्कूल, आई आस्क्ड हिम ट्रैवलिंग। अब ये लड़का काफ़ी कांपते हुए डरा हुआ था और थरथराते हुए कहता है कि वेल अब आप स्कूल को क्या बताइएगा कि मुझे क्या हुआ था। पैराग्राफ नंबर 42, आई विल से यू हैड अ वेरी सीवियर इन्फेक्शन ऑफ द स्टमक विच आई एम क्यूरिंग विद पिल्स, ही आंसर। डॉक्टर डनवर जो है इस लड़के की बात को आंसर करते हुए कहते हैं कि मैं स्कूल को बताऊंगा कि तुम्हारे पेट में एक सीरियस इन्फेक्शन हो गया था जिसे मैं दवाइयों से, है ना, टैबलेट्स की मदद से ठीक कर रहा हूँ, क्योर कर रहा हूँ। स्माइल करते हुए ये बात वो बतलाते हैं, इट विल मीन दैट यू मस्ट स्टे होम फॉर 3 more days, जिसका मतलब ये होगा कि तुम्हें, है ना, अपने घर पर अवश्य ही 3 दिन और ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए, ताकि लोगों को शक ना हो कि हमारा ये प्लान है।
बट प्रॉमिस मी यू वोंट ट्राई एनीथिंग लाइक दिस। लेकिन मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम इसके बाद ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करोगे जिससे तुम्हें कोई परेशानी हो या तुम्हारी मॉम को कोई परेशानी हो। योर मदर हैज़ एनफ ऑन हर हैंड्स विदाउट हैविंग टू रश ओवर टू फेच यू आउट ऑफ स्कूल। यहाँ पे बतलाया गया है कि योर मदर हैज़ एनफ ऑन हर हैंड्स, तुम्हारी मॉम के पास बहुत कुछ चीज़ हैं, विदाउट हैविंग टू रश ओवर, मतलब तुम्हें स्कूल से यहाँ पे बुलाने के लिए है ना, तुम्हारी मॉम को स्कूल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो तुम्हें ऐसे ही बुला लेंगी, है ना, जस्ट बिकॉज सी लव्स यू अलॉट। पैराग्राफ नंबर 43 एंड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, आई प्रोमिस आई सेड आई विल नेवर डू इट अगेन। यहाँ पे हमारे जो ऑदर हैं जो कि यहाँ पे एक लड़के का रोल प्ले कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैंने डॉक्टर डनबर से प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा दोबारा फिर नहीं करूँगा, राइट। सो इस तरह से हमने होम सिकनेस इस चैप्टर को दो सेपरेट वीडियोस में कंप्लीट कर लिया, है ना। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक लिए बाय बाय।